प्रदर्शन का 18वां दिन है, आज आप लोगों ने क्या किया है? देखिए, आज हम लोग जो कि सबसे पहले हमारा जो मृत कुलपति हो चुके हैं लगातार संहारहीनता के दौर में, उनकी पहले हम लोग शव यात्रा निकाली गई, कल मुंडन करा करके उनका पिंडदान दिया गया, आज उसी के क्रम में उनकी भटकती आत्मा को शांति के लिए यहाँ पर हम लोग हवन पूजन किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कल कहा गया है कि कुछ अराजक तत्व जिसमें पूर्व पदाधिकारी भी शामिल हैं, विश्वविद्यालय के पठन पाठन का माहौल खराब कर रहे हैं, इनसे सख्ती से निपटा जाएगा, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि 18 दिन से तो हम सड़क किनारे बैठे थे, न तो विश्वविद्यालय प्रशासन का एक ग्रुप डी का कर्मचारी आकर के हमारी मांगों को पूछने आया, हमारी समस्याओं को पूछने आया। जिन 36,000 छात्रों के आप वहाँ पे कुलपति बने हो, DSW बने हो, चीफ प्रैक्टर बने हो, उन्हीं छात्रों ने अपनी आवाज के लिए यहाँ पर हमें छासंग उपाध्यक्ष चुना है, और वही छासंग उपाध्यक्ष जब सड़क के किनारे बैठता है, विश्वविद्यालय की गरिमा तार तार होती है, सड़क के किनारे पूरा शहर देख रहा होता है, तब आप हमारी समस्याओं को पूछने नहीं आते हो। लेकिन जैसे ही पूर्व छासंग पदाधिकारियों का, आम छात्रों का, छात्राओं का सहयोग मिलना शुरू होता है, और विश्वविद्यालय प्रशासन जो कि एकदम सोया पड़ा हुआ है, मृत पड़ा हुआ है, उसको हिलाने का काम करता है, वैसे ही विश्वविद्यालय प्रशासन का पुराना ढुलमुल रवैया है, पुराने बयानबाजी वाला अंदाज है कि नहीं, यहाँ सारे लोग जो आ रहे हैं पूर्व पदाधिकारी अराजक हैं, जो छात्र हैं अराजक हैं, हम जो लोग मुंडन कराएं वो अराजक हैं, जो कि चितरंजन PRO हैं बोल रहे हैं कि जो लोग मुंडन कराएं वो अराजक है, जो कि पहले जाकर के कोचिंग से वसूली किया करते थे। एक PRO और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की यह भाषा नहीं होनी चाहिए, मैं यहाँ पे निंदा करता हूँ, चूंकि वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताना भी चाहेंगे, चूंकि मैं खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ, हमारे साथ मुंडन करा रहे अजय सिंह सम्राट जो कि LLB सेकेंड ईयर के छात्र हैं, हमारे साथ मुंडन करा रहे हैं छात्र सत्यम कुशवाहा जो कि BA सेकेंड ईयर के छात्र हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मुंडन करा रहे हैं अंकित प्रतिहार जो कि BA थर्ड ईयर के छात्र हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो विश्वविद्यालय का लीगल स्टूडेंट है वह यहाँ पर आकर के विरोध दर्ज करा रहा है। और आखिरकार विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रकार से बयानबाजी क्यों कर रहा है? जब 18 दिन हुआ, जब उनके ऊपर जब ताला लगना था, जब उनका ताला टूटा, जब उनके ऊपर जो सोया पड़ा मृत पड़ा प्रशासन है, जब छात्रों का हुजूम जाके उनके ऊपर जमा हो रहा है, तब आकर के ऐसे में वो अपना बीच बचाव करने के लिए बता रहे हैं कि अराजक तत्व आ रहे हैं। जो कि छासंग अध्यक्ष जो कि यहाँ से चुनाव लड़ चुका हो, जो छासंग यहाँ का पदाधिकारी होता है, वह विश्वविद्यालय का आजीवन वहाँ पे सदस्य होता है, तो ऐसे में इनका कहना या बात करना, या तो इनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास नहीं पता हो, या तो उसकी कार्यप्रणाली नहीं पता है, और ये सबसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ का PRO ऐसा शब्द यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी ने कुलपति की तारीफ की है, उन्होंने श्रेष्ठ कुलपति बताया है। देखिए, मैं तो सीधे सीधे तौर पे आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सापे यहाँ पे पड़ा हुआ है, RSS के सापे यहाँ पे माननीय कुलपति पड़े 3 साल से पड़ा हुआ है, लगातार छासंग पदाधिकारियों छात्रों सारे लोगों को निलंबित निष्कासित, जब छासंग बैन किया करके उसके खिलाफ हम लोग विरोध दर्ज करा रहे थे, बताइए पूरा का पूरा जीवन बर्बाद करने का कार्य करें, निलंबित किए, निष्कासित किए, ब्लैकलिस्टेड किए, और इसमें पूरा का पूरा जब मामला पूरा ऊपर तक लेवल तक जा रहा है, तब भी यह क्यों नहीं निलंबित हो रहा है? लोगों का नाम है कि इसके ऊपर ये कार्रवाइयाँ, न्यायालय कार्रवाइयाँ कर रहा है, सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार जबकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी है, राज्य में भी, और यह अराजक कुलपति जिसके कि पूरे देश में ऑडियो चैट वायरल होते हैं, व्हाट्सएप पे इतनी भर्तरसना आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैट उनकी जो कि विश्वविद्यालय की छात्रा रहती है उसके इस प्रकार से चैट वायरल होते हैं, क्या MHRD को पता नहीं है? क्या मानव संसाधन विकास मंत्री को पता नहीं है सारी चीजें? लगातार यहाँ पर 18वें दिन से छात्र यहाँ पे आंदोलन रहते, क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास यह खबर नहीं है? लगातार कम से कम 50 से ऊपर ट्वीट मैं खुद कर चुका हूँ, पत्र लिख चुके हैं, पूर्व पदाधिकारी और छात्र नेता भी लगातार अपनी बातें वहां तक पहुंचा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी कुलपति के साथ है, अन्यथा यह कब का यहां से जा चुके हैं। बोल रहे हैं कि सरकार और कुलपति मिले हुए हैं, विद्यार्थी परिषद आपके साथ लगातार आंदोलनरत रहा है, उनका कहना है कि हमारी सरकार से वार्ता हो रही है, सरकार का नियंत्रण नहीं है उस पे, बाकी कार्यवाही होगी, क्या मानते हैं इससे? देखिए, अभी हमसे पहले हमारे महामंत्री जी सीधे तौर पे आपको बता चुके हैं कि हम उनको मतलब उनके दल से नहीं है या इस तरह से, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छासंग हमारे लिए सबसे पहले है, सर्वोपरि है, उसके बाद दल यहाँ पे इंटर करता है, तो उस हिसाब से उनका जो भी कहना है मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन साफ तौर पे आपके पास है कि विद्यार्थी परिषद के रोहित मिश्रा सर रहते हैं छासंग अध्यक्ष, उनको 5 साल के लिए डिबार किया हुआ है, विक्रांत सिंह जो कि विद्यार्थी परिषद से छासंग उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, उनकी डिग्री वापस लिए धमकी दे रहा है, नीरज प्रताप सिंह रहते हैं उनकी डिग्री वापस लेने का किया हुआ है, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जबकि इतने साल से
भ्रष्ट गए, जो कि हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हो रही हैं उसमें हुई थी, उसमें भी इनके द्वारा लगातार जो कि व्यापक तौर पर पैमाने पर कह सकते हैं घूस लेकर के उनको रखा गया है, नियुक्ति की गई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यदि केंद्र सरकार का सह इनके ऊपर नहीं बना रहता तो ये इस प्रकार से अपना हिला हवाली नहीं करते, इस प्रकार से तानाशाही नहीं करते। एक चीफ प्रैक्टर उनके सह पर आता है और सीधे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष के को तो पहले ही डिग्री रद्द करने की धमकी दे चुके रहते हैं, और यहाँ पर परसों वाले दिन आकर के चीफ प्रैक्टर महोदय अध्यक्ष को भी धमकी देते, 2 घंटे के भीतर मैं तुमको बता दूंगा कि तुम लीगल हो या लीगल हो, तुम्हारी तुरंत डिग्री रद्द कर दूंगा। इस प्रकार से वक्तव्य हमारे कुलपति का कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि इनको सत्ता में बैठे, संरक्षण में बैठे, बहुत बड़े बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, तभी यह तानाशाह कुलपति इस प्रकार से गांधीवादी तरीके से हम बैठे यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे, छात्रों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन और क्या मानते हैं कि जो लगातार कार्यवाहियां हो रही हैं निलंबन और निष्कासन की तरफ, उसके बीच पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारियों का आपको समर्थन मिला है, आपका आंदोलन कितना मजबूत हुआ है? देखिए, आप पहले देख रहे थे कि सड़क के किनारे कितने लोग हम बैठे थे, लेकिन आज आप 18वें दिन आकर के देखिए लगातार हुजूम पीछे खड़ा है हम लोगों के साथ। आम छात्र जो कि बैग उठाकर के क्लासेज में जा रहा है, आकर के हमारे धरने को समर्थन देने आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को भी यह बात नहीं पच रही है। उनको अब पूरा का पूरा अंदेशा हो चुका है कि छात्र जो है वह एकजुट हो रहा है, हो न हो एक दिन इनकी जितनी भी तानाशाहियां उसको उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। इस वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो भी छात्र या छात्र नेता उनके खिलाफ यहाँ पर आकर के धरने पर बैठ रहा है या प्रदर्शन कर रहा है, उनके खिलाफ बोल रहा है, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों न बोल रहा हो, उनको वहां से उठा करके निलंबित कर रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं और लगातार आम छात्रों को ये धमकियां दे रहे हैं। और ये जो हमारे चीफ प्रैक्टर हैं इनके भी जो केस है, जो इनकी फर्जी एससी कोटे में नियुक्ति हुई है, जाकर के न्यायालय में इस समय लंबित पड़ी है, वो उनको भी मैं बता देना चाहूंगा कि आपका जो होगा सो होगा ही होगा, लेकिन इन आम छात्रों के डिग्रियों के साथ खिलवाड़ करना साहब बंद करिए। बहुत मेहनत से, बहुत ही एक एक पैसे जोड़ करके गरीब माँ बाप किसान के बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ने आते हैं, और ऐसे में आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, भगवान भी आपको कभी जीवन में माफ नहीं करेगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं आप विश्वविद्यालय प्रशासन पर, कितनी लिखित शिकायतें आपने की हैं अभी तक? लिखित शिकायतें लगभग हमने अपने लेटर पैड पे लगभग 10 से ऊपर कर चुके हैं, जिसमें से इनके यौन शोषण के भी आरोप हैं। चीफ प्रैक्टर महोदय की जो माता जी की दवाइयों में खरीद फरोख्त में बिल लगाए रहते हैं उसके भी आरोप हैं। साथ ही साथ जितने भी आपके लाइब्रेरी के मसले रहे, लाइब्रेरी में लगभग करोड़ों रुपए की धांधली हुई उसको लेकर के है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ ट्रस्ट के छात्रावास हैं वहां पे हमसे धन उगाही होती रहती है, लगातार फीसें बढ़ाई जाती हैं, 18,000-21,000 ऐसे ली जाती हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों की सुविधा के आधार पर एक मेज और एक कुर्सी तक नहीं मिलता है। इन सबके भी लंबित मामले हम लोग यहाँ के राज्यपाल तक भी पहुंचा चुके हैं।